वो नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 4 इज पार्ट था, फिर सेकंड पार्ट तक आपने प्रीवियस क्लास में किया था, ठीक है। अगेन थर्ड पार्ट सेम ही है आपका, आपको फैक्टराइज करना क्या है, 6x² + 5x - 6। देखो जो हमारा प्रोसीजर था वो क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल जो x² का कॉफिशियंट है वो यहाँ पर क्या है, 6। जो x² का कॉफिशियंट है उसको कॉन्स्टेंट टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना है, कॉन्स्टेंट टर्म से आपको मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट है वो -6 है, तो बेसिकली 6 × -6 इट विल बी इक्वल टू -36। अब जो नंबर है वो 36 है, जो नंबर है आपका वो क्या है, 36, तो आप 36 का एलसीएम निकालो, तो क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3, 1 3, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा, कि जो भी आपके पास ये नंबर आ रहा है को प्लस माइनस करके आपको 5 बना, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग है, मिड टर्म के इक्वल करना है। तो देखो अब आप ये देखो कि अगर मैं इसको 3 3 जा क्या कर देता हूँ, 9, 2 2 जा क्या कर देता हूँ, 4। कह रहे सीधे 9 - 4 मेरा 5 हो जाएगा, हो जाएगा। जितनी भी टर्म्स होती है उनको तो दो टर्म्स में कन्वर्ट करना होता है, वो दो टर्म्स ऐसी बनानी होती है कि प्लस माइनस करके आपकी मिड टर्म आनी चाहिए, सारे यूनिट ऐसे के कोई छोड़ सकते, एक्सेप्ट 1। 1 को तो आपको पता है किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वही नंबर आ जाएगा, 1 की नीड हो तो यूज कर सकते, छोड़ना चाहो तो 1 छोड़ सकते, लेकिन बाकी कोई नंबर नहीं छूट। ये चीज समझ में आ रही है सर? और मैंने क्या कहा था, चेक कैसे करना होता है कि अभी ये जो दो नंबर आए हैं आपके इनको मल्टीप्लाई करके यही नंबर आने चाहिए जो एग्जैक्टली दोनों को मल्टीप्लाई करके आते, तो देखो आ रहा है 9 × -4 अगर मैं करूँ तो -36 ही आएगा, ठीक है। अब देखो इधर लिखना कैसे, स्टे अटैच, ये हो जाएगा 6x² + 5x को आप कैसे लिखोगे, कहने से दैट +9x - 4x, जो भी आपकी स्प्लिटिंग होगी उसके साथ एक्स लगाना है, बिकॉज यहाँ पर भी क्या है आपके पास एक्स, यहाँ भी क्या है आपके पास एक्स है, जी समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो ये हो गया 9x - 4x - 6, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, 13 आता, ठीक है। अब 9 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा टेबल जिसमें 6 भी आता है और 9 भी आता है, कह रहे से इधर 3 3 3 ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़े से बड़ा टेबल जिसमें 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो एक तो यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हो, और देखो इसके पास कितने एक्स है दो, और इसके पास कितने एक्स है 1, तो एक एक्स कॉमन ले सकते हो। अब ये बताओ 6 के टेबल में 3, 3 के टेबल में 6 कब आएगा, 2 पर, 2 एक्स में से एक एक्स कॉमन आ गया, तो वी आर लेफ्ट विद सिंगल एक्स प्लस 9। 9 का मतलब क्या हुआ, 3 × 3, 3 × 3, तो आपने 3 तो कॉमन ले लिया, वी आर लेफ्ट विद 3, एक्स आप ऑलरेडी कॉमन ले चुके हो। ऐसे देखो 4 और 6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2, और माइनस है तो -2, और मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस आएगा तो दोनों ही टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, अब 4 का मतलब हुआ 2 × 2, 2 तो कॉमन ले लिया, बचा क्या एक माइनस और 2, कहने से देखो माइनस तो आप कॉमन ले ही चुके हो, ले चुके हो ना, तो माइनस और 2 तो कॉमन आ गया, तो बचा क्या, ये लेफ्ट विद 2 और साथ में एक्स, ऐसे आप 6 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3, 2 × 3, तो देखो 2 और -2, -2 तो कॉमन चला गया, तो वी आर लेफ्ट विद +3। अगर आपका फैक्टराइजेशन ठीक है तो जो आपका ये ब्रैकेट वाला पार्ट है ये आपका सेम है, फिर से रिपीट करो, अगर आपका फैक्टराइजेशन ठीक है तो ब्रैकेट वाला जो पार्ट है आपका वो सेम है, तो कर इसको चेक करने का क्राइटेरिया भी, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट वाले टर्म को कॉमन ले लो, आपने 2x + 3 कॉमन ले, वी आर लेफ्ट विद 3x - 2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर, सीधा यही सारी चीजें अभी हम क्वेश्चन 5 में दोबारा करें, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। अब हाँ बिल्कुल चेक कर सकते हो, अब पार्ट 4 ले लेते हैं, पार्ट 4 आपको ट्राई कर, तो पार्ट 4 क्या आपका 3x² - x - 2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कॉफिशियंट ऑफ x² क्या है 3, और कॉन्स्टेंट है -2, तो अब यहां से देखो 3 को आप -4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को -4 तो -12 आएगा, लेकिन फैक्टराइज किसको करना है, नंबर 2, दैट इज 12, जब आप 12 के फैक्टर्स करोगे
तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1. अब आप ये देखो यहाँ माइनस एक्स, माइनस एक्स का मतलब ये हो गया एक्स का कोफिशिएंट माइनस वन, तो नंबर पे तो मुझे माइनस वन बन, नंबर में मुझे क्या बनाना है माइनस वन. कैन आई से दैट 2 2 जा 4 और 3, तो 4 माइनस 3 तो 1 होगा, लेकिन मुझे बनाना है माइनस वन. इसका अपोजिट कर दो, अगर मैं -4 + 3 कर दूं तो आ जाएगा -1. एग्री करते हो? आपको साइन का ध्यान रखना है, -1 है तो -1 होना चाहिए. अब देखो, कैन आई से दैट -4 × 3 इज इक्वल टू -1, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है. मल्टीप्लाई हो गया वही चीज आनी है जो आपका कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कॉन्स्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके आया विद साइन, विद साइन. तो देखो -12 है तो ये भी -12 आ रहा है. अब देखो, कैन आई से दैट इट कैन बी रिटन एज 3x² माइनस एक्स को आप कैसे लिखोगे? अब देखो 3 है, 3 के साथ ऐड, पहले 3 को लिखो, तो आपने लिखा +3x, फिर -4 है तो आपने लिखा -4x. जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे तो एक्स के साथ करो, फिर ये आ गया आपका कॉन्स्टेंट -4. अब ध्यान से देखो इधर अपनी स्टेट है. कैन आई से दैट फ्रॉम हियर वी कैन टेक 3x कॉमन, 3x कॉमन आ जाएगा. यहाँ पे देखो 2 x की पावर 2 है, तो यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता हूँ. 3x आपने एज इट इज कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1. एंड फ्रॉम हियर बहुत इजी है, -4 कॉमन ले लो. जैसे आपने माइनस कॉमन लिया तो टर्म्स का साइन अपोजिट हो जाएगा, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये एक्स हो गया और -4 की जगह आ जाएगा +1. अब ब्रैकेट वाला पार्ट सेम आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है. तो कैन आई से दैट वी विल टेक x+1 कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विथ 3x -4, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस. क्लियर हो गया? ठीक है. अब देखो, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ये वाला स्टेप आपको दोबारा करना, एंड दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना इस चीज को. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट ये जो आपका पॉलिनोमियल है, देखो ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो आपका एक पॉलिनोमियल है, कैन आई से दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल है x^3 - 2x² - x+2. एग्री करते हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी पॉलिनोमियल गिवन है, हाँ जी, x³ है. मैंने कहा था अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है तो उसको क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल ही तो कहते हो. अगर डिग्री 1 हो तो क्या होता है वो आपका? लीनियर. 2 होता तो क्वाड्रेटिक, 3 या तो क्यूबिक. मैंने कहा क्या आप एग्री करते हो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है? ठीक है, और देखो सारा का सारा पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है? एक्स में. तो क्या मैं इस फर्स्ट पार्ट को ऐसे लिख सकता हूँ, पी एक्स इक्वल टू x³ - 2x² - x+2? इसमें कोई डाउट है तो बताओ. अब ध्यान से देखना, जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाँ जी, हाँ, ये फर्स्ट नहीं, फर्स्ट स्टेप का मतलब आपने इसको पहले तो उसकी प्रेजेंटेशन कैसे दी. स्टेप वन तो अब शुरू होगा. जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो स्टेप वन इस क्वेश्चन में ये होता है आपको कि हिट एंड ट्रायल मेथड आपको अप्लाई करना है. क्या अप्लाई करना है? हिट एंड ट्रायल मेथड. तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. अब समझो हिट एंड ट्रायल मेथड होता क्या है. हिट एंड ट्रायल मेथड ये होता है कि आपको 1 by 1 यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर, कैसे पुट करोगे? आप एक्स की जगह 1 पुट करोगे, फिर -1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे, फिर -2 पुट करोगे. मीन्स आपको वैल्यू पुट ऐसे करनी है कि किस वैल्यू को पुट करके 0 बचा. हिट एंड ट्राई, तो आप ट्राई कर, आपको एक्स की कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसको पुट करके ये 0 हो जाए. तो उसमें क्या करोगे? आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करोगे. हिट एंड ट्रायल मेथड ये कहता है कि भैया 1 by 1 आप इस तरह से वैल्यू पुट करो. आप पहले 1 पुट करके देखो और देखो क्या वो 0 आया. अगर नहीं आया तो आप क्या पुट करोगे? -1. फिर भी नहीं आया तो क्या पुट करोगे? 2. फिर भी नहीं आया तो -, पर आपके सिलेबस में इन चारों में से किसी एक वैल्यू में वो 0 आ जाए, इन चारों में से किसी एक वैल्यू में 0 आ जाए, मोस्ट प्रोबेबली 1 और -1 में फंस जाए. जैसे कि देखो हिट एंड ट्रायल मेथड आपने लिखा, तो आपने क्या लिखा? पुट x = 1, पुट x = 1. जैसे आप 1 पुट करोगे तो कहने से दैट ये P1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1 1 रेज टू पावर 3, जहां x है वहां 1 पुट कर दो. -2 1 रेज टू पावर 2, ये क्या हो जाएगा? -1, और प्लस में क्या हो जाएगा? 2. इसमें कोई डाउट है तो बताओ. आया था. ठीक है, अब देखो, तो इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू 1 - 2 - 1 + 2. अब देखो, +2 - 2 कैंसिल, और +1 - 1 क्या आ गया? 0. ठीक है, अब आप ये देखो, जब ये 0 आया तब एक्स की वैल्यू क्या है? 1.
तो ये एक्स इक्वल टू वन है, ये इसका जीरो है, ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है। अगर आप इस जीरो को एक्स के पास लेके आओगे तो वो फैक्टर बन जाए। अब मुझे बताओ प्लस वन इधर आएगा तो प्लस वन होगा माइनस वन होगा, माइनस भाई साइन अपोजिट हो जाता है ना, अगर अपोजिट में ये माइनस टू है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस टू, अपोजिट में अगर टू है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस टू, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस टू, ये बात समझ में आ रही है। ठीक है फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, हीट एंड ट्रायल मेथड लगाने के बाद आपको एक्स की कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसको पुट करके आपके पॉलीनोमियल क्या हो जाए जीरो। तो बेसिकली हीट एंड ट्रायल मेथड की हेल्प से आपको जीरो फाइंड कर, जिसमें पहले क्या पुट करोगे वन। अब मान लो देखो थोड़ा सा आपको थोड़ा इसमें लॉजिक भी लगा, मान लो सारी की सारी वैल्यू ये प्लस में होती तो वन पुट करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं था, एग्री कर दो, तो वन पुट करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं था कि सारी टर्म्स प्लस में होगी तो वन प्लस वन से तो जीरो हो ही नहीं सकता, फिर तो सीधा ही आप माइनस वन पुट करोगे या फिर माइनस। करेक्ट, समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है थोड़ा सा लॉजिक ही लगाना है। तो देखो हुआ क्या, एक्स इक्वल टू वन अगर आपका जीरो आ रहा है तो क्या ये चीज समझ में आ रही है, अगर मैं इसको यहाँ पुट कर यहाँ लेके जाऊंगा तो माइनस वन हो जाएगा। तो अगर एक्स इक्वल टू वन आपका जीरो आ रहा है तो आप क्या कहोगे, देयर फोर एक्स माइनस वन इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो ये आपके पास एक फैक्टर ऑलरेडी आ गया, एक्स माइनस वन इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, थ्री, तो इसके तीन फैक्टर होने चाहिए, जो डिग्री होती है उतने ही फैक्टर होते हैं उस पॉलीनोमियल में। अगर थ्री है डिग्री, अगर डिग्री थ्री है तो थ्री फैक्टर्स हो, टू है तो टू फैक्टर्स। जैसे कि आप याद रखो अभी आपने क्वेश्चन नंबर फोर किया, इसमें डिग्री कितनी है, सभी पार्ट की डिग्री कितनी थी, टू, सभी के दो फैक्टर्स आए हैं, जितनी डिग्री होती है उतने ही फैक्टर होते हैं, ये बात समझ में आ रही है? हाँ हाई डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ही तो होता है, डिग्री का मतलब क्या बताया था, हाईएस्ट पावर और वेरिएबल, तो जितनी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी, ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है देखो, तो क्या ये चीज क्लियर हो गया कि एक फैक्टर हमारे पास आ गया, दैट इज एक्स माइनस वन इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस वन इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है अब अगर ये इसका फैक्टर है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये इसका फैक्टर है तो जब मैं इस वैल्यू से इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए ना, जैसे यहाँ पर एट है, मैंने कहा फोर एट का फैक्टर होता है, क्यों, बिकॉज जब आप एट को फोर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है जी, फैक्टर होने का मतलब क्या होता है कि जो रिमाइंडर होता है वो जीरो के इक्वल होता है, का मतलब जब मैं इस वैल्यू को डिवाइड करूंगा, इस पॉलीनोमियल को डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, ये समझ आ रही है? ठीक है अब एक्स माइनस वन इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है अब आप क्या करोगे इस पॉलीनोमियल को, ये जो भी आपकी वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, तो आप यहां पे लिखोगे एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस स्क्वायर, चेक कर लो यही वैल्यू है, मान जी। ठीक है अब आप इस पॉलीनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड, क्यों, क्योंकि अगर ये इसका फैक्टर है तो डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो, तो इसको पूरा डिवाइड करेगा। ठीक है और अगर आपका फैक्टर सही है आपने निकाला है तो आपका चेक भी हो जाएगा कि रिमाइंडर मेरा जीरो आ रहा है नहीं आ रहा, अब ऐसा क्यों कर रहे हो वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले इतना स्टेप समझ में आ गया। ठीक है अब देखो डिवाइड कैसे किया जाता है इसको, ये तो आपको क्लियर होगा कि इसको हम डिविडेंड बोलते हैं, ये पूरी जो टर्म्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड, इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड, और जिससे आप डिवाइड करते हो उसको हम क्या कहते हैं, डिवाइस। अब जो चीज समझा रहा हूँ ध्यान से समझना, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का, और स्टूडेंट जनरली गलती भी इसी स्टेप में करते हैं, इनको डिवाइड करने में गलती करते हैं, इसलिए एक एक स्टेप आराम से समझ, जब आप डिवाइड करोगे तो आपको डिविडेंड की फर्स्ट टर्म लेनी है, क्या लेनी है, फर्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स रेस टू पावर, और डिवाइजर की भी फर्स्ट टर्म, हर स्टेप में यही करना है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म से डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को क्या करना है, डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करने से पहले मैं पहले भी बता चुका हूँ फिर से बता देता हूँ, ए रेस टू पावर एम अपॉन ए रेस टू पावर एन, अगर बेस सेम है जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर क्या होती है, माइनस, वेरी गुड, क्या होती है, माइनस, ये क्लियर है आपको? ठीक है तो एक्स का मतलब क्या नहीं से दैट, एक्स का मतलब एक्स की पावर वन है और बेस आपका सेम है तो क्या नहीं से दैट थ्री माइनस वन हो जाएगा, ये
और इट विल बी इक्वल टू एक्स रेस टू पावर टू होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखा एक्स रेस टू पावर टू, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो भी ये वैल्यू आई है, जो भी ये वैल्यू आई है आपकी, एक एक करके डिवाइजर की दोनों टर्म को आप इसे मल्टीप्लाई करो। जैसे कि ये क्या है एक्स, अगर मैं एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा एक्स क्यूब। तो जो भी फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आएगा वो फर्स्ट टर्म के नीचे लिखो, ये समझ में आ गया। इसी तरह से अगर मैं -1 को फिर इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा -x2। अब एक्स स्क्वायर के नीचे लिखो -x, डिवाइड करके जो भी आपकी टर्म आएगी, डिवाइड करके जो भी आपकी टर्म आएगी, यहाँ पे डिवाइजर में दो टर्म्स होगी तो दोनों से मल्टीप्लाई कर, तीन टर्म्स होंगी तो तीनों से मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे इस तरह से लिख, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, अब जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो आपकी कैंसिल होनी चाहिए, जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो क्या होनी चाहिए, कैंसिल। एक्स स्क्वायर डिवाइजर में जितनी भी टर्म्स होंगी सभी से उससे मल्टीप्लाई, भाई जब आप एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे बेस सेम है, पावर क्या होती है, प्लस होती है, यहाँ पे स्क्वायर का सॉरी, अच्छा इसको कह रहे, हाँ ये स्क्वायर ही ले रहे, एक्स को एक्स स्क्वायर से किया तो क्या आ गया एक्स क्यूब आ गया, -1 को एक्स स्क्वायर से किया तो क्या आ गया -x2, ये रहा आपका -x2। क्यूब वाले के नीचे क्यूब वाला लिखोगे, स्क्वायर वाले के नीचे स्क्वायर वाला लिखोगे, टर्म आ गया है? नहीं, अगर इधर उधर हो तो आपको उसको रीअरेंज करके लिखना, हमेशा ऑर्डर में लिखा जाता है, सबसे बड़ी पावर फिर उससे छोटी पावर उससे छोटी, और जब मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी, जितनी पावर की वैल्यू आएगी उतनी पावर के नीचे ही लिखा जाएगा, जो मैं कह रहा हूँ आगे आपको और एक्सप्लेन करूंगा, पहले इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या कहा आपको कि जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो कैंसिल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कैंसिल। अब ये देखो कैंसिल नहीं हो रहे, दोनों क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो कैंसिल होगा नहीं। अब कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक टर्म को माइनस में लेके जाना, तो आपको क्या करना, नीचे वाली जो भी टर्म्स है यहाँ से माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन लेने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे आपने प्लस है तो क्या कर दिया माइनस, तो सिर्फ इसी में नहीं करोगे, अब सभी के साइन चेंज हो, अगर ये प्लस का माइनस हो गया तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और ऐसा क्यों किया, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारी क्या होनी चाहिए कैंसिल। अब देखो इसके बाद क्या होगा, कहना चाहिए प्लस x³ -x³ अब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे अब देखो ध्यान से, ये क्या है आपका, दिस इज -2x है, दिस इज -2x, रीजन बता तो रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म हमारी कैंसिल होनी चाहिए, अगर फर्स्ट टर्म कैंसिल नहीं होती है तो आपको साइन चेंज करना होता, और मैथमेटिकली कोई भी वैल्यू आप चेंज करते हो तो उसमें ऐसे चेंज करना होता है कि पहली वाली वैल्यू की भी टर्म्स में उसका इफेक्ट, अगर कैंसिल हो रहा होता तो हम उसको चेंज नहीं करते, क्योंकि धीरे 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 इन वैल्यूज को हमें खत्म करना होता, और इसका रिमाइंडर धीरे धीरे खत्म करके क्या आना चाहिए, जीरो लाना है, क्या लाना है आपको जीरो, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो कह रहे सीधा ये -2x² है, यहाँ मैंने लिखा -2x², अब ये माइनस नहीं है, ये क्या है एक्चुअल में प्लस, -2x² में +x² जोड़ोगे तो क्या आएगा, -x² ही तो आएगा, आएगा भाई -2x² को तो छोड़ दो, आप सीधा नंबर पे फोकस करो, ये -2 आप ऐसे सोच रहे हैं ये +1 है, तो -2 + 1 क्या होगा -1, और x² साथ में लगा दो, समझ में आ गया। इसीलिए मैंने कहा था जो वैल्यू मतलब उसके साथ उसी की वैल्यू लिख, x² के साथ x² ही सॉल्व हो, x² के साथ आप x को सॉल्व नहीं कर सकते, ये चीज समझ में आ गई। तो क्या मैं यहाँ पे -x² लिखूं, ये समझ में आ गया -x², बाकी की जो टर्म्स है उसको आप नीचे लिखें, जैसे कि यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा आपका -x, और नीचे क्या आ जाएगा आपका +2, ये समझ में आ गया। अब सेम वही स्टेप जो अभी हमने किया, सेम वही स्टेप, क्या कहा था आपको कि डिविडेंड की फर्स्ट टर्म से डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है -x², तो यहाँ आपने लिखा -x, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है x, ये तो फिक्स रहेगा। अब आपको पता बेस सेम है तो पावर क्या होगी माइनस, तो कहना चाहिए देखो माइनस है तो माइनस लिखो, x की पावर क्या हो जाएगा 2 - 1, 2 - 1, तो ये हो गया -x, ये रफ होता है साइड में ऐसे कर, मेन चीज आपको यही करके दिखा दी, तो क्लियर हो गया -x आएगा, ये क्या हो गया आपका -x, तो आपने यहाँ पे लिखा आगे -x, तो नेक्स्ट टर्म आपने क्या लिखी -x, तो ये हो गया -x।
ये आपका क्या हो गया माइनस एक्स, ठीक है, ये आपका क्या हो गया माइनस एक्स। अब मैंने क्या बताया था, फिर फर्स्ट टर्म से इसको मल्टीप्लाई, जो भी आया डिवाइड करके इन दोनों टर्म से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आपने एक्स के साथ माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करना है, और माइनस वन के साथ भी आप माइनस एक्स को क्या करोगे मल्टीप्लाई। तो फटाफट मुझे ये बताओ, जब एक्स को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे कहना चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर आएगा आएगा, और जब आप माइनस वन को माइनस माइनस क्या होता है प्लस, कहना है सही दैट एक्स आएगा। वेरी गुड। अब स्क्वायर वाली टर्म को तो यहाँ स्क्वायर वाले के नीचे लिखो, तो कहना है सही दैट ये माइनस एक्स स्क्वायर तो इसके नीचे आ जाएगा, और एक्स वाली टर्म को एक्स के नीचे लिखो तो यहाँ आ जाएगा प्लस एक्स। फिर मैंने आपको ये कहा था कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो कैंसिल होगी, क्या वो कैंसिल हो रही है अगर सेम साइन है? नहीं। क्या करना होगा, साइन चेंज करने, जो भी साइन है उसका पॉजिटिव, अगर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, सिर्फ इसी का चेंज नहीं होगा फिर आगे वाली टर्म का भी, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, हाँ जी, उससे नहीं मतलब, हमें फर्स्ट को ही कैंसिल करना है, आपको सिर्फ फर्स्ट को ही कैंसिल करना है, सेकेंड हो ना उससे मतलब नहीं है, आपका फोकस सिर्फ फर्स्ट पर, ठीक है। अब क्या इससे एग्री करते हो, माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब लेकिन यहां पर क्या हो गया, ये हो गया आपका माइनस एक्स और ये हो गया माइनस और एक्स, ये हो गया माइनस एक्स, तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस टू। जब आप प्लस माइनस में सॉल्व करते हो साइन वही रहता है जो आपका बड़े वाले उसके पहले का, जैसे माइनस वन क्या होगा माइनस टू, मल्टीप्लाई में होता है माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस, प्लस माइनस में साइन के हिसाब से, जैसे मैंने कहा माइनस टू प्लस थ्री, तो आपने कहा प्लस माइनस माइनस होता है, तो आपने क्या लिखा वन, फिर आप ये देखोगे कि साइन किसका पड़ा है, प्लस का पड़ा है तो प्लस, लेकिन अगर दोनों ही साइन सेम है तो वही रहे। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा माइनस टू एक्स, और ये वैल्यू फिर है जिटिस नीचे आ जाएगी प्लस टू, ये भी क्लियर हो गया। अब सेम वही स्टेप दोबारा, अब क्या करना है आपको, फिर डिविडेंड की जो फर्स्ट वैल्यू है और डिवाइजर की जो फर्स्ट वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो, कहना चाहिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस टू, तो यहां पर आपने क्या लिखा माइनस माइनस, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप आपको, कि एक्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस टू से, आपने एक्स को मल्टीप्लाई किया माइनस टू से, फिर माइनस वन को किससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस टू से। यदि जो भी फर्स्ट टर्म होती है डिविडेंड की उसको डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना होता है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है माइनस टू एक्स है, डिवाइडर सभी स्टेप में यही करना है, आप जब आप एक्स से एक्स कैंसिल करोगे तो माइनस टू आएगा। समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो एक्स इंटू माइनस टू क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस टू हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस टू एक्स और ये क्या हो गया प्लस टू, तो क्या मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पर तो आ जाएगा माइनस टू एक्स और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस टू, चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाली फिर आपकी कैंसिल नहीं हो रही है, नहीं हो रही है ना, अगर वो कैंसिल नहीं हो रही है तो साइन चेंज, वेरी गुड, माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, प्लस की जगह माइनस, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल, तो रिमाइंडर आपका जीरो आना भी चाहिए था और वो आ भी रहा, एक एक करके इस तरह से वैल्यूज को खत्म कर दो। अगर आपका ये फैक्टर आपने जो फाइंड किया है ये अगर आपका ठीक आया तो आपका रिमाइंडर जीरो ही आएगा, अगर नहीं आया तो आपका फैक्टर ही गलत है, फिर आप इस क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ सकते। अब मुझे बताओ क्या आपने ये क्वेश्चन पढ़ी तो है, अब आपको याद है कि नहीं वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने एक कुछ ऐसी क्वेश्चन पढ़ी थी 8th क्लास में, दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, बोलो भाई पढ़ा था ये? नहीं पढ़ा था तो मैं बता देता हूँ ये ऐसा होता है, और ये चीज मैं चेक भी करवा रहा, आपने 10 से 3 को डिवाइड किया तो 3 3 जा क्या हो गया 9, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये वाली वैल्यू मैंने अभी आपको बताया क्या होती है डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हो वो क्या होता है डिवाइजर, और ये आपका क्या होता है क्वेश्चन, और ये आपका क्या हो गया रिमाइंडर, ये मानते हो। अब वैल्यू पुट करो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, डिवाइजर की जगह क्या रखो 3, क्वेश्चन की जगह क्या रखो 3, और रिमाइंडर की जगह क्या रखो 1, तो देखो क्या ये इक्वल आ रहा है 9 प्लस 1 10 इक्वल टू 10 आ रहा है ना,
तो ये आपकी इक्वेशन होती है कि जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के इक्वल। समझ में आ गया? अब यही चीज आपको जो हमने अभी डिवाइड किया यहाँ पर भी यही है। अब आप डिविडेंड की वैल्यू लो, डिविडेंड आपका क्या है, डिविडेंड आपका ये है जो कि किसके इक्वल है, पी एक्स, ये सारा पी एक्स के इक्वल है ना, तो डिविडेंड की जगह आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, पी एक्स। तो डिविडेंड की जगह आपने रखा पी एक्स, डिवाइजर किससे डिवाइड किया था, जो आपका फैक्टर आया था दैट इज एक्स माइनस वन, तो डिवाइजर की जगह आप रखो एक्स माइनस वन। क्वेश्चन जो डिवाइड करके आया क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, और रिमाइंडर क्या है आपका जीरो। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब आप ये देखो ध्यान से, ये आपका पॉलीनोमियल है जिसके आपको क्या निकालने है, फैक्टर। अब ध्यान से देखो यहां पर एक फैक्टर तो मुझे दिखाई दे ही रहा है, कितने फैक्टर और चाहिए, टोटल कितने चाहिए थे, थ्री, एक तो आ गया ना, अब कितने और चाहिए। तो ध्यान से देखो ये जो अब आपके पास वैल्यू आ रही है इसकी डिग्री कितनी है, यहां से दो फैक्टर मिलने चाहिए, तो हमारा है इसको आप रखो इक्वेशन नंबर वन। अब आप क्या करो, फैक्टराइज करो नाउ, फैक्टराइज। हाँ जी हाँ, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस। अब आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना। अब जो आपने क्वेश्चन नंबर फोर किया था वो दोबारा यहां पर रिपीट, वहां आपने टू डिग्री वाले को फैक्टराइज करना सीखा था ना, सीखा था ना टू डिग्री वाले को। अब ध्यान से देखो, अब मुझे बस फटाफट ये बता दो कि यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट क्या है, कैन आई से दैट वन मान, और ये जो कॉन्स्टेंट है ये क्या, माइनस टू। तो वन को अगर मैं माइनस टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आप एग्री करते हो, वन इंटू माइनस टू जो है वो माइनस टू आएगा, बट क्या है एग्री कर दो कि नंबर तो टू ही है। तो टू को अगर मैं फैक्टराइज करता इसके फैक्टर्स पर, टू वन जा टू, वन जा वन, मानते हो टू और वन का यूज करके माइनस वन लिखू मैं, माइनस टू प्लस वन, एग्री कर दो माइनस वन आएगा। मैंने क्या कहा था, वन को आप इंक्लूड कर सकते हो अगर जरूरत हो तो, एक्सक्लूड तो आप हर टाइम कर सकते, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वन का यूज करते हैं। अब क्या ना, क्या आप एग्री करते हो माइनस टू प्लस वन माइनस वन आएगा, और क्या आप इस चीज से एग्री करते हो कि माइनस टू इंटू वन जो होता है वो माइनस टू के ही इक्वल होता है, तो मल्टीप्लाई करके भी यही वैल्यू आ रही है और प्लस माइनस करके वो वैल्यू आ रही है जो इसकी सेंट्रल टर्म का कोफिशियंट है। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ, माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, यस और नो। या माइनस वन को आपने क्या कहा, जो भी ये वैल्यू होती है उसके साथ एक्स लगाना होता है, तो अगर माइनस टू प्लस वन आपकी मिनट टर्म स्प्लिटिंग हो रही है तो आप इसके साथ एक्स लगा दो, क्योंकि यहां पर तो जो भी वैल्यू एक्स की टर्म्स में है ना, माइनस टू एक्स प्लस एक्स, देखो इसको सॉल्व करके यही वैल्यू आनी चाहिए आपकी। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, माइनस टू एक्स प्लस एक्स किसके इक्वल आएगा, माइनस एक्स के इक्वल ही तो आएगा, माइनस टू एक्स में से एक एक्स कम करोगे तो आ रहा है ना ये, और इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब मुझे बताओ इन दोनों टर्म्स में से मैं क्या कॉमन ले सकता, एक्स कॉमन ले सकता हूँ, वेरी गुड, एक्स कॉमन ले लूँ, दो एक्स में से एक एक्स चला गया, यहाँ से एक्स चला गया तो माइनस टू आएगा। अब मुझे ये भी बता दो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, वन, वेरी गुड, जैसे वन कॉमन हो गया तो ब्रैकेट वाला पार्ट सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब कॉमन क्या लेंगे, जो ब्रैकेट वाला पार्ट है दैट इज एक्स माइनस टू, गुड, फिर एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब ये जो भी वैल्यू आई है, ये आपकी वैल्यू किसकी आई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू आई है पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इन इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन वन में पुट करो, ये आपका दीदी हाईएस्ट वेटेज पर आता है जब भी आता है। तो पी एक्स आप लिखो, तो आपने यहां लिखा पी एक्स, बाकी क्या था एक्स माइनस वन, ये आप एज इट इज लिखो। उसके बाद जो ये वैल्यू है इसकी जगह क्या लिखोगे, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन। तो आपका जो ये डिविडेंड था जो पॉलिनोमियल था उसे कितने फैक्टर हो गए, ये आर, ठीक है, देयरफॉर आर, ये जो पी एक्स की वैल्यू आई है, फिर आप कहोगे देयरफॉर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस वन आर रिक्वायर्ड फैक्टर्स, आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ध्यान से देखो दोबारा, एक एक स्टेप दोबारा समझ, पहला स्टेप क्या बताया था बताओ,
सबसे पहले क्या अप्लाई करना है, हीट एंड ट्रायल मेथड। ना मुझे ये बताओ, कौन बताएगा हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या है? कि एक्स की कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करो जिसको पुट करके वो जीरो हो जाए। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब एक्स की कोई ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने से वो क्या आ जाए, जीरो। नॉर्मली स्टार्टिंग कहां से होती है, 1 से, लेकिन अगर बीच में माइनस हो, माइनस, ये तो स्टार्ट कहां से करोगे, माइनस, फिर माइनस। ये बात समझना कि आपके सिलेबस में यहाँ पे ही चार वैल्यू में से किसी एक में वो फंस जाता है। अगर एक्स इक्वल टू 1 पुट करके 0 आ रहा है तो फैक्टर में वो क्या होगा, एक्स माइनस वाई। अगर एक्स इक्वल टू -1 पुट करके 0 आ रहा है तो फैक्टर में वो क्या होगा, एक्स प्लस वाई। जो भी यहाँ होगा उसका साइन अपोजिट हो जाए। जैसे 0 वेरिएबल के पास जाता है वो फैक्टर में। अब आपके पास फैक्टर आ गया, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, अगर वो फैक्टर है तो डिविडेंड यानी कि पॉलिनोमियल से डिवाइड करके आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। पॉलिनोमियल से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आपने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू ली एक्स रेस टू पावर 3, उसको फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड किया, बेस सेम है तो पावर डिवाइड करके पावर क्या होगी, माइनस। तो ये आ गया 3 -1, तो एक्स की पावर क्या आ गई, 2। तो ये आ गया एक्स की पावर। फिर आपने क्या किया कि जितनी भी यहाँ पे वैल्यू टर्म्स है सभी को एक एक करके इससे मल्टीप्लाई कर। तो पहले आपने एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, x³। फिर आपने -1 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो -1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, -x। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। जो भी यहाँ आपकी ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे जितनी भी टर्म्स होगी इन सभी टर्म्स से आपने इसको मल्टीप्लाई कर। जो भी यहाँ वैल्यू आएगी डिवाइड करने के बाद, यहाँ पे जितनी भी टर्म्स होगी सभी से आपने इसको एक एक करके क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आपने एक्स से इसको मल्टीप्लाई किया, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, x³। तो ये रहा आपका x। जो भी प्लस माइनस करके जो भी आएगा वो एज इट इज लिखना है। अब यहाँ पर क्या है, -1 है ना, तो -1 लिखो। और यहाँ पर क्या है, प्लस x², तो -1 को मैं x² से मल्टीप्लाई करूँ तो -x² ही तो आएगा, आ गया -x². अब करना क्या होता है कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है आपकी वो कैंसिल होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रही है तो हम क्या लेते हैं, साइन अपोजिट कर देते हैं। अगर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब आप देखो ये कैंसिल हो गया, और ये था आपका -2x², और ये है आपका +x². अब जो साइन चेंज हो गया है वो है उसका साइन, तो -2x² में +x², अगर इसको प्लस माइनस में दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हो भैया, दोनों से आप x² कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -2, ये आपने कॉमन ले लिया तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, प्लस। तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, माइनस, और एक्स के साथ 1 को नहीं लिखा जाता, तो बेसिकली ये क्या हो गया, -x। ये आपका ऐसा पहले बताओ, यहां पे समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद बाकी की जो दो टर्म्स है वो भी आपको लिखनी है, यहाँ पे लिख लिए। फिर आप इसी स्टेप को फॉलो करो कि भैया जो भी फर्स्ट टर्म है डिविडेंड की, इससे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करोगे तो इसकी पावर क्या है, 1। माइनस तो एज इट इज लिखो, और 2 - 1 मैं लिखू -x। ये क्लियर हो गया, तो ये देखो ये आ गया माइनस, चले आगे, ये आ गया माइनस। अब क्या करोगे, फर्स्ट टर्म से इसको मल्टीप्लाई करो, तो आपने क्या किया, एक्स इंटू -x, तो कहने से देन -x² आएगा, आएगा तो यहां आपने लिखा -x, बोलोगे ठीक है। आगे देखो, फिर -1, इस -1 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो -1 से -x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या एग्री करते हो, एक्स आएगा, आएगा यहां आपने लिखा एक्स, ये भी क्लियर हो गया। फिर आपको क्या देखना है कि क्या मेरी फर्स्ट टर्म कैंसिल हो रही है, नहीं हो रही, फिर साइन क्या करोगे, पॉजिट करोगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, फिर ये कैंसिल हो गया। अब देखो -x और -x कितना हो जाएगा, -2, और ये आपका +2 का एज इट इज। फिर सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है कि भैया फर्स्ट टर्म मेरी क्या है, -2x, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स, ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, -2। यहां पर आपको लिखना है माइनस, यहां पर क्या लिखना, माइनस, ठीक है। अब एक्स को -2 से मल्टीप्लाई कर, एक्स इंटू -2, तो क्या आ जाएगा, -2x, तो दिखाई दे रहा है -2x। फिर -1 को -2 से मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू -2 क्या दिखाई दे रहा है, +2, तो यहाँ पर लिखो +2। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये भी क्या है, हाँ जी दीदी, ये रफ वर्क।
कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आप लिखो, आपको अगर सीधा समझ में आ रहा है, अभी तो आपकी आपके लिए तो ये नई नई चीज है, आप कैसे लिख सकते हो? बड़ी क्लासेस वाले तो सीधा ही करते हैं, ये आपकी थोड़ी ना इतनी प्रैक्टिस। ये चीजों से टीचर को मतलब नहीं है, टीचर को तो ये देखना है कि डिवाइड में क्या किया है, क्या लिखा है। हाँ ये तो साइड में ऐसे रबर चलता रहेगा, अभी इतनी परफेक्शन नहीं है, अभी तो आपको एक स्टेप ऐसे ही करना, जैसे समझो ये देखने से लग रहा है आपको, इसलिए मैं बार बार इसका क्वेश्चन पे ज्यादा इतना फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले क्या है सारे पार्ट्स मैं कराऊंगा, लेकिन जब आपके घर पर जब आपको आप अपना होमवर्क करोगे, होमवर्क आपको पता क्या होता है कि जो क्लास में करवाया वही आपको रिवाइज करना होगा, सारी पीडीएफ आपके पास आ जाएगी, रिकॉर्डिंग एनालिसिस आपके पास आ जाएगा, अच्छे से फिर आपको प्रैक्टिस करके आ रहा है, कोई डाउट आएगा तो नेक्स्ट क्लास में दोबारा पूछो। आज ही नहीं थी, आज ही तो कल मॉर्निंग तक, क्योंकि रात को मैं लेट फ्री होता हूँ, आपको पता 9 साढ़े 9 बजे तो फ्री होता, तो आपके पास जो भी जैसे एक रूटीन बनाओ, नेक्स्ट मॉर्निंग में आपके पास पीडीएफ और रिकॉर्डिंग एनालिसिस आपके पास हो। चले आगे, ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया आपने? कि जो डिविडेंड है, आपने इस कंसेप्ट का यूज, कंसेप्ट क्या है आपका, दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड आपका क्या था, पी एक्स, डिवाइजर जो आपका फैक्टर था, तो क्वोशेंट जो डिवाइड करके आया आपके पास, प्लस रिमाइंडर। फिर आपने क्या किया, मिड टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई, मिड टर्म स्प्लिटिंग का क्लियर है ना कैसे करते हैं, ठीक है, जैसे क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, चलो जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्ट टू, एंड योर पार्ट टू इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 1। ये क्लियर हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, बाय बाय हिट एंड ट्राई मैथ। देखो यहाँ पे बीच में माइनस दिखाई दे रहा है, पहले मैं किसके साथ जाऊंगा, 1 के साथ। आपने क्या किया, पुट पुट एक्स इक्वल टू 1, शुरुआत किससे करोगे, 1 से। जैसे आपने एक्स की जगह 1 रखा, तो जहां भी एक्स दिखाई दे रहा है वहां पर क्या आ जाएगा, 1। यहाँ आपको एक्स दिखाई दे रहा है वहां क्या आ जाएगा आपका, 1। तो देखो एक्स क्यूब की जगह हो जाएगा 1 रेस टू पावर 3, फिर -3 1 रेस टू पावर 2 -9 इंटू 1 माइनस। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -9 और -1। देखने से समझ में आ रहा है कि ये 0 के इक्वल नहीं आए, क्यों नहीं आएगा, देखो ये सारी की सारी टर्म्स माइनस में है ना, तो माइनस वाली सारी प्लस हो जाएंगी, तो 9 प्लस 5 कितना होगा, 14, 14 और 3 17, तो बेसिकली ये आपका आ गया -16 विच इज नॉट इक्वल टू 0, और यानी कि 1 पर तो ये 0 नहीं आए। अब क्या पुट करूं, एक्स इक्वल टू -1, जब -1 पुट करोगे तो -1 पुट करके देखो, जहां आप एक्स दिखाई दे रहा है वहां पर क्या आ जाएगा, -1। तो -1 रेस टू पावर 3 -1 रेस टू पावर 3 -1 और -1। अब देखो क्या आ रहा है, 0, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ओड है माइनस में ही आएगा। -1 रेस टू पावर 2 क्या होगा, 1, 1 इंटू -3 माइनस, -9 -1 क्या होगा आपका, +9, क्या हो जाएगा, +9, और ये हो गया -1। तो देखो पहले तो आप लिखो +9, माइनस वाले टर्म्स को सबको ऐड करो, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, सभी टर्म्स माइनस के, तो आंसर माइनस में ही आएगा, आ गया 0, आ गया ना 0। सभी टर्म्स अगर माइनस की है तो आपने पहले तो सबको ऐड कर दिया, फिर ऐड करने का देखो सारी की सारी टर्म्स ही माइनस में, तो आंसर तो माइनस में ही आएगा, तो ये -9 आएगा। अब मुझे बताओ 0 में ये -1 है, जब ये -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। वेरी गुड, कहने से इधर x+1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो आप लिखोगे बिकॉज पी ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x+1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पी एक्स, x+1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब हम क्या करेंगे, x+1 से पी एक्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, वैल्यूएशन क्या है, x³ - 3x² -9x - 1, यही है, ठीक है। क्या बताया था आपको, कि डिविडेंड की फर्स्ट वैल्यू से डिवाइजर की फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड, तो आपने लिखा x रेस टू पावर 3, डिवाइड करोगे x से,
इसका मतलब एक्स की पावर वन। कैन आई से दैट अगर अगर बेस सेम है तो पावर माइनस हो गए, तो एक्स की पावर क्या आएगा, टू। तो क्या मैं यहाँ पर एक्स की पावर टू लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आप किसी को। फिर मैंने आपको क्या बताया था, दोनों टर्म जितनी भी टर्म था सबको एक एक करके इससे मल्टीप्लाई करना है। तो एक आप करना है आपको एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। कैन आई से दैट ये एक्स की पावर वन है तो एक्स की पावर थ्री आएगा, क्या आएगा, एक्स की पावर थ्री आएगा। तो आपने यहां पर लिखा एक्स की पावर थ्री। कैन आई से दैट वन से जब मैं एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर के नीचे लिखो प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या आपकी फर्स्ट टर्म कैंसिल हो रही है? नहीं नहीं हो रही ना, दोनों ही प्लस है। हाँ जी दीदी, अगर मैं एक्स को एक्स स्क्वायर से करूंगा, अगर मैं एक्स से एक्स स्क्वायर को करूंगा तो एक्स क्यूब आएगा, प्लस वन को एक्स स्क्वायर से करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा। माइनस तो आप लगाएंगे क्योंकि आप देख रहे हो कि फर्स्ट वाली टर्म जो कैंसिल नहीं होगी, तो आप क्या करोगे, प्लस की जगह क्या कर दोगे, माइनस। प्लस की जगह फिर ये भी माइनस होगा। अब ये तो कैंसिल हो गया। अब मुझे ये बताओ माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स किसके इक्वल होना चाहिए? भैया माइनस माइनस प्लस होता है, मैंने आपको पहले भी कहा है सिंपल वे क्या है कि एक्स स्क्वायर को कॉमन ले, और इसकी जगह लिखो माइनस। अब एक्स स्क्वायर ही कॉमन आ गया तो इसकी जगह क्या आएगा, माइनस वन। इसकी जगह क्या आएगा आपका, माइनस वन। कैन आई से दैट ये माइनस फोर एक्स स्क्वायर आ रहा है, आ रहा है माइनस फोर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां आपने लिखा माइनस फोर एक्स। नहीं तो एक और ट्रिक बताता हूँ, सेम वेरिएबल वाली वैल्यू होती है आपकी, सेम फूड। आप ऐसे देखो माइनस थ्री मैंगो और माइनस वन मैंगो, माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, वन, माइनस वन मैंगो। कितने मैंगो हो गए, माइनस फोर। कितने मैंगो हो गए, माइनस फोर। सेम वेरिएबल वाली वैल्यू का मतलब होता है उस वेरिएबल की जगह मैंगो को रखो, माइनस थ्री मैंगो और माइनस मैंगो। माइनस मैंगो का मतलब माइनस वन मैंगो, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन दोनों साइन सेम है तो जो माइनस है तो माइनस में आंसर आया। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब बाकी के जो ये है आपके टर्म्स को भी नीचे लेके आओ, ये हो जाएगा माइनस नाइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस फाइव। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्या करना है, सेम वही चीज करनी है आपको कि जो इसकी फर्स्ट टर्म है दैट इज माइनस फोर एक्स स्क्वायर, और जो इसकी फर्स्ट टर्म है उससे इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो एक्स से तो एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस फोर। क्या हो जाएगा, माइनस फोर। यहाँ आप लिखो माइनस, यहाँ आप क्या लिखो, माइनस फोर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो नाउ, अब एक्स से माइनस फोर एक्स को मल्टीप्लाई, एक्स इंटू माइनस फोर। तो क्या आप एग्री करते हो, माइनस फोर एक्स क्यूब आएगा, फोर एक्स स्क्वायर आएगा। बिल्कुल भाई एक्स की पावर वन, एक्स की पावर वन, तो ये तो क्या एक्स की पावर टू, तो माइनस फोर एच डीज आ गया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस फोर एक्स स्क्वायर। अब क्या आप इस चीज से भी एग्री करते हो कि अगर मैं प्लस वन को माइनस फोर एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस वन इंटू माइनस फोर एक्स, तो ये भी किसके इक्वल आएगा, माइनस फोर एक्स के। तो क्या मैं यहाँ पे लिखू माइनस फोर एक्स, तेरा आता है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या फर्स्ट टर्म कैंसिल हो रही है, क्या फर्स्ट टर्म कैंसिल हो रही है आपकी? नहीं, माइनस की जगह क्या कर दोगे, प्लस, फिर माइनस की जगह क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आपका कैंसिल हो गया, तो माइनस नाइन एक्स प्लस फोर एक्स क्या हो जाएगा, माइनस फाइव एक्स, और ये हो गया माइनस। सेम वही स्टेप, अब फर्स्ट टर्म क्या आपकी, माइनस फाइव एक्स, और यहां से फर्स्ट टर्म क्या आपकी, एक्स, तो एक्स से एक्स कट गया है तो क्या आ जाएगा, माइनस फाइव। वेरी, माइनस, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, माइनस फाइव। अब देखो कैन आई से दैट एक्स इंटू माइनस फाइव, माइनस फाइव एक्स। वेरी गुड, तो यहां पर आ जाएगा माइनस फाइव एक्स। तो कैन आई से दैट वन इंटू माइनस फाइव, माइनस फाइव। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, अब बताओ क्या फर्स्ट टर्म कैंसिल हो रही है? नहीं, तो साइन क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। जैसे आप साइन चेंज करोगे माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस का प्लस, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, जो आपका होना भी चाहिए।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या लिखोगे? दैट वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, वेरी गुड, इनटू क्वेश्चन, क्वेश्चन को मैं क्यू एक्स लिख रहा हूँ, प्लस रिमाइंडर को आर एक्स लिख रहा हूँ, मीन्स क्वेश्चन इन एक्स वेरिएबल, रिमाइंडर इन एक्स वेरिएबल। अब मुझे ये बताओ, जो आपका डिविडेंड है वो तो क्या होगा, पी एक्स, और जो आपका डिवाइजर है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस, नहीं सॉरी, डिवाइजर क्या आपका एक्स प्लस वन, एक्स प्लस। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, और रिमाइंडर क्या है, जीरो। इसको क्या ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर वन। अब क्या करना है आपको, फैक्टराइज करना है। अब आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, किसको करना है, इस पार्ट। अब आप लिखोगे नाउ, नाउ फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस, जब आप फैक्टराइज करोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वन, वन को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या, नहीं से दैट माइनस फाइव ही आएगा, और फाइव के फैक्टर आपको पता, फाइव और वन ही आएगा, आएगा ना। और फाइव और वन को यूज करके आपको माइनस फोर बनाना, तो मैं लिखू माइनस फाइव प्लस वन, माइनस फाइव प्लस वन माइनस फोर, और माइनस फाइव इंटू वन माइनस फाइव, एग्री करते हो? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब इसको आप लिखो माइनस फाइव एक्स प्लस वन का मतलब प्लस एक्स माइनस फाइव, अब ये वैल्यू जो है आपकी माइनस फोर एक्स के इक्वल है, इसी को कहते हैं मिडल टर्म को आपने क्या कर दिया, स्प्लिट कर, उसको ब्रेक कर दिया। नाउ व्हाट वी विल हैव, यहां से आपका क्या, नहीं सीधा एक्स कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस फाइव, एंड फ्रॉम हियर प्लस वन, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस, जहां से कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां से वन कॉमन मिलता है। ठीक है, अब ब्रैकेट वाला पार्ट सेम आ रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा यस एक्स माइनस फाइव, गुड, और एक्स प्लस, ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस, क्या कहोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव इन इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन वन में क्या कर दो, पुट कर दो, जैसे आप पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्स, फिर आप लिखोगे एक्स प्लस वन, और फिर इसकी जगह आप लिखोगे एक्स एक्स माइनस फाइव और एक्स प्लस वन, तो आपका आंसर क्या हो गया, देयरफॉर एक्स प्लस वन एक्स माइनस फाइव एंड एक्स प्लस वन आर रिक्वायर्ड फैक्टर्स। आए को समझ में, ठीक है, तो ये दो पार्ट मैंने करवा दिया आपको, ठीक है, और ये दो पार्ट्स आपके होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप सही करके आओगे गलत करके आओगे मैं आपको ये दोनों पार्ट्स भी करूँ, ऐसा नहीं कि होमवर्क दिया तो वो उसका एनालिसिस भी क्लास में करवाएगा, आप करके आओ घर से, फिर मैं यहाँ पे जब करवाऊंगा तो आप चेक करना कि हमारा आंसर ठीक है, गलत, ठीक है, क्योंकि जितना जितना खुद प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी इंप्रूवमेंट है, कोडिंग एनालिसिस होगा, पीडीएफ आ जाएगी, उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके आंसर पहले अपने नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, फिर ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क क्या रहे, ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर फाइव पार्ट, ठीक है।